में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको चिकन की स्टार्टर डिश बता रही हूँ, वो भी स्टर फ्राई बनाएंगे, पैन स्टर फ्राई इसके नाम है। तो झटपट से बन जाती है और बड़े टेस्टी और डिलीशियस बनते हैं। स्नैक्स के तौर पे आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने आधा किलो 500 ग्राम के लगभग चिकन लिया, इसको धो के साफ करके रख लिया। मैंने बड़े बड़े पीस में लिया, आप छोटे में भी काट के इसको ले सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें जो मसाले डालेंगे, और ये नमक है, ये लाल मिर्च और काली मिर्च, थोड़ी थोड़ी एक चम्मच लाल मिर्च है, आधा छोटे चम्मच काली मिर्च, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, धनिया जीरा पाउडर एक चम्मच, गरम मसाला, नींबू का जूस डालेंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट, और दही डालेंगे 3 से 4 चम्मच बड़े वाले। और हमें चाहिए ये राइस फ्लोर यानी चावल का आटा। अगर चावल का आटा ना हो आपके पास तो आप इसमें बेसन भून के डाल सकते हैं या कॉर्न फ्लोर भी डाल सकते हैं। इसके अलावा हम थोड़ी सी इसमें मेथी भी डालेंगे। सबसे पहले हम इसको मैरिनेट करेंगे। चिकन इसमें डाल लिया अपने एक पैन में। अब दही जो है इसको थोड़ा सा फेंट के इसमें डालेंगे। अब इसमें 2 टेबलस्पून के करीब अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे। और इसमें अब हम मसाले डालेंगे, ये नमक है, लाल मिर्च और काली मिर्च, ये धनिया जीरा पाउडर और ये गरम मसाला। उनको अच्छे तरह से मिक्स कर लेते पहले। मसाले मिक्स कर दिए, अब हम एक बड़ा चम्मच इसमें ये राइस फ्लोर डालेंगे और इसको अच्छे तरह से मिक्स करेंगे। और इसमें नींबू का जूस डालेंगे, आधा नींबू डालेंगे हम। थोड़ी सी 1/4 चम्मच के करीब ये कसूरी मेथी या ड्राई मेथी डालेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको ढक के कम आधे घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। तो आधे घंटे के बाद मैं आपको दिखाऊंगी, अभी हम इसको रख देते हैं। आधा घंटा हो चुका है मैरिनेट होते हुए चिकन को, ये देखिए हो चुका है। अब हम इसको स्टर फ्राई करेंगे, यानी कि थोड़े से कम तेल में इसको करेंगे। उसमें हम सरसों का तेल डालेंगे, ये सरसों का तेल में अच्छी बनती है। इसमें 2 टेबलस्पून के लगभग ये देखिए इतना तेल डालेंगे, इसे ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा अगर जाए तो हम थोड़ा सा डालें। अब इसको गर्म कर लेते हैं थोड़ा तेल को, ताकि इसकी महक निकल जाए, फिर हम इसमें चिकन डालेंगे। अब हम इसमें चिकन डाल देंगे, डाल दिया, और इसको 2 मिनट हम चलाते हुए थोड़ा सा पका लेंगे, फिर इसको ढक के हम पकाएंगे। अभी 2 मिनट में इसको ऐसे हमने इसको भून लिया। अब हम इसमें पानी डाल देंगे आधे कप के करीब, जिसपे हमने मैरिनेट किया था वही वाला पानी हम डाल दें, और इसको ढक के मीडियम आंच पे 10 मिनट तक पकने देंगे। उसके बाद मैं आपको 10 मिनट हो गए, हमने इसको ढक के रखा था, और ये देखिए ये ऑलमोस्ट गलना शुरू हो गया, अभी गला नहीं है और इसने पानी भी सोख लिया। तो अभी हम इसको 5 मिनट और करेंगे, फिर ये बिल्कुल सिम पे कर देते हैं ताकि ये गल जाए चिकन हमारा। हमने और इसको पका लिया, आप देख सकते हैं तो तेल छोड़ दिया और ये काफ़ी हद हाँ तक गल भी है। 15 मिनट में चिकन अच्छा चिकन होता है वो गल जाता है, ये देखिए बिल्कुल गल गया। तो अब हम इसको भुनेंगे, इसको ढक्कन उतार के लगातार चलाते हुए तक इसको लगातार भून लिया। अगर हम थोड़ा सा कलर अगर ब्राउन और करना चाहें तो 5 मिनट और भून लें, तो ये हमारा स्टर फ्राई चिकन तैयार हो जाएगा। तो अभी मैं 5 मिनट और इसको भून लेती हूँ। चिकन भून चुका है, यानी कि तैयार हो गया। गैस बंद करके हम डिश आउट कर, स्टर फ्राई चिकन तैयार है। इसमें हम थोड़ा सा ये हरे प्याज के पत्ते या हरा धनिया डाल दें, और ये 2 नींबू रख दें साथ में। चिकन बनकर तैयार है, आप स्टार्टर के रूप में इसको सर्व कर सकते हैं। जब चाहे तब बनाएं, शाम को या डिनर में या लंच में। अगर ये रेसिपी पसंद आती तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।